Hello everyone, good morning to all of you and welcome to Ajank IAS Academy. This is a video of editorial analysis जिसके अंदर हम The Hindu के editorial के ऊपर थोड़े से analysis points रखेंगे and कुछ pointers या facts जो है उन्हें extract भी करेंगे. So we'll move forward with this session. For those who are new, जो लोग पहली बार इस video को देख रहे हैं, This editorial analysis, ये जो editorial analysis है, ये daily 8 AM Ajank IAS Academy के YouTube channel पे upload होता है. So you can join me there every day, Monday to Saturday at 8 AM. So and for those who are new, Ajank IAS Academy के anytime learning app पे newspaper analysis for competitive examinations या current affairs for competitive examinations नाम का एक course है, which is available from my end. इसी तरह की जैसी editorial analysis की video है, इसी तरह से और analysis videos हैं और news analysis videos हैं, जिसके अंदर हम current affairs के ऊपर discussion करते हैं, जिससे हमारा pre और mains दोनों साथ साथ चलते रहे या balanced चले. So इस course की और इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन परचेज द कोर्स फ्रॉम देयर. शुरू करते हैं और शुरू कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे हमारा एडिटोरियल. सो द हिंदू का ये एडिटोरियल है 7 to 11 और ये किसके ऊपर है, G7 से जो G11 बन रहा है या जिसका प्रपोजल अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया है, ये एडिटोरियल उस न्यूज के ऊपर है. So from group 7, which is you know world's most developed countries, सबसे ज्यादा economic background वाली countries जो है, economic strength वाली countries, वो इसका part है. और इसको आप United States के president ने outdated कह दिया है कि यह पुरानी हो गई है और इसको upgrade करने का समय आ गया है. And in this जो ये जो G11 होगा, In the proposed G11, grouping would recognize India's place among the world's richest nations. India ki G11 jo hone wala hai, isme India ko bhi position di ja rahi hai. To isse G11 mein India ki position kin countries ke beech mein hogi? One of the richest countries in the world. World ki sabse ameer deshon mein India ki un deshon ke saath India work karne wala hai. It is going to be a part of those richest group of the world. तो इसके बारे में हम थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देखेंगे, थोड़ा और एनालिसिस देखेंगे. बट उससे पहले हम ये एडिटोरियल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है. सो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से इम्पोर्टेंट है. प्रीलिम्स में करंट इवेंट्स डेफिनेटली इज अ बिग ह्यूज डिफरेंस गोइंग टू मेक एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स में. मेंस में अगर बात करें तो जीएस पेपर 2 जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का है, यहाँ से इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है एडिटोरियल से. नाउ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एडिटोरियल के अंदर हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें. तो ये एक सैम्पल है कि आपको इस तरह से पढ़ना होता है. ऐसी और वीडियोस के लिए या ऐसे और एनालिसिस के लिए आप वो दिए हुए कोर्स को परचेज कर सकते हैं, एनी टाइम लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है मेरा. तो और एनालिसिस के लिए आप वहां देख सकते हैं. बट बेसिक आइडिया इज कि आपको पता चले कि एक न्यूज़पेपर कैसे हेल्पफुल है एंड न्यूज को किस तरह से एनालाइज किया जाता है या किस तरह से पढ़ा जाता है. ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना एनालिसिस. और उसके पहले हम देखते हैं कि G7 कंट्रीज, G8 कंट्रीज और G20 कंट्रीज आखिर हैं क्या. G7 कंट्रीज में अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द इकोनॉमी जो कंट्रीज रन करती हैं वो कंट्रीज आती हैं, दैट इज जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली एंड जापान. ये G7 की मेंबर कंट्रीज हैं. G7 पहले G8 हुआ करता था. रशिया 2014 में रशिया रिमूव हो गया था और उसके बाद से G8 जो है वो G7 बन गया 2014 से, जब रशिया को ड्रॉप कर दिया गया था G8 से. एंड G20 के अंदर G7, G8 एंड G20 तीनों है. दैट मींस G7 है G8 वाली कंट्री, दैट इज रशिया वो है. एंड G20 के अंदर बाकी कंट्रीज कौन सी है, दैट इज टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. यूरोपियन यूनियन का G7 कंट्रीज के साथ एक थोड़ा सा स्पेशल रिलेशनशिप है, दैट बीइंग कि ये कंटिन्यूअसली, दैट इज सब्सिक्वेंट ईयर्स से और रेगुलर बेसिस हर G7 मीटिंग का पार्ट है.
तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से ऑब्जर्वर है जो परमानेंट रहा है फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मेंबर नहीं है लेकिन परमानेंट ऑब्जर्वर कह सकते हैं एक तरह से. तो यूरोपियन यूनियन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है G7 मीटिंग्स के अंदर. तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये न्यूज में क्यों है, व्हाई इज G7 इन न्यूज. तो करंट इवेंट क्या है, फर्स्ट इवेंट इज कि 46th G7 की मीटिंग होने वाली थी इन कैंप डेविड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब ये होने वाली थी जून में, इसको अब पोस्टपोन कर दिया गया है. पहले प्रपोज किया था डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. G7 की प्रेसिडेंसी यूएसए के पास है अभी. तो पहले प्रपोज था कि G7 की मीटिंग जून में ही होगी और ऑफलाइन होगी, दैट मींस आमने सामने होगी, वर्चुअल मीटिंग नहीं होगी. बट नाउ द प्रपोजल हैज कम कि इसको अब पोस्टपोन कर रहे हैं. तो 46th G7 मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है. वेन्यू क्या था, कैंप डेविड वॉज द वेन्यू. वेन्यू था कैंप डेविड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. साथ ही साथ दूसरी चीज जिसकी वजह से न्यूज में है, डोनाल्ड ट्रंप हैज डिसमिस्ड द करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ G7 एंड उन्होंने इसे क्या कहा है, जैसे बताया आउटडेटेड कहा है, यानी कि पुराना हो गया है. इसको ऐसे उन्होंने किया है, द आइडिया हैज बीन प्रेजेंटेड टू एक्सपैंड इट टू G11. G7 से G11 की तरफ बढ़ा दिया जाए या विस्तार किया जाए G7 का, ये प्रपोजल आया है. और कैसे विस्तार किया जाए या कौन सी नई कंट्रीज ऐड होनी चाहिए, इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ये चार कंट्रीज हैं जिनका प्रपोजल दिया गया है कि ये चार कंट्रीज अब G7 के अंदर जुड़ जानी चाहिए. तो आउटडेटेड यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने कहा, प्रेसिडेंसी G7 की करंटली यूनाइटेड स्टेट्स के पास है और कौन सी चार कंट्रीज हैं जो जुड़ने वाली हैं, तो वो है इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स आपको क्लियर हो गए होंगे. आगे बढ़ते हैं G7 के बारे में, देखते हैं पहले कि G7 कंट्रीज में असल में है क्या या व्हाट इज G7. ग्रुप 7 जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इंटर गवर्नमेंटल यानी कि कंट्रीज ने आपसी सहमति से इसे बनाया है. ऐसा नहीं है कि एक पेपर साइन, डिक्लेरेशन साइन किया गया या कोई बहुत ही बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और उसके बाद नहीं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनने का सारी कंट्रीज ने किया फिर वो ड्राफ्टिंग हुई, ऐसा कुछ नहीं है. कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं. There is no headquarter of G7. G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये सिर्फ एक फोरम है फॉर discussions. डिस्कशंस के लिए सिर्फ एक फोरम है और इंटर गवर्नमेंटल है, यानी गवर्नमेंट्स ने आपसी सहमति से इसे बनाया है और 1975 में ये बना था. इसके डिसीजंस नॉन बाइंडिंग है. नॉन बाइंडिंग मतलब जो भी मेंबर कंट्रीज है उनपे जरूरी नहीं है उन्हें लागू हो. अगर कोई फोरम में डिस्कशन होता है, कोई डिसीजन पास होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि सारी कंट्रीज उसे इम्प्लीमेंट भी करें. इट इज नॉट अननेसेसरी. ठीक है, तो जो भी डिसीजन होते हैं नॉन बाइंडिंग होते हैं. मीटिंग्स एनुअल, एनुअल मीटिंग्स होती हैं. कोई हेडक्वार्टर नहीं है, जो प्रेसिडेंट कंट्री है वही होस्ट करेगी. सो बेसिकली होस्ट कंट्री इज द प्रेसाइडिंग कंट्री. प्रेसिडेंट कंट्री, जो प्रेसाइडिंग कंट्री जो होती है, प्रेसाइडिंग कंट्री ही होस्ट कंट्री है और वो क्या करती है, सारा एजेंडा जो है वही सेट करती है. किस तरह से G7 से अभी करंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है, तो करंटली सारे डिसीजंस G7 के यूएसए के पास हैं. पूरा साल का एजेंडा, किन चीजों पे डिस्कशन होना चाहिए, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट प्रपोजल आना चाहिए, वो सारी चीजें होस्ट कंट्री का काम है और वही कंट्री क्या है, प्रिसाइडिंग कंट्री है. और हर साल ये रोटेशनल बेसिस पे चेंज होता है. ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास है तो अगले 3 साल तक रहेगी, नहीं. एवरी ईयर रोटेशनल बेसिस पे प्रिसाइडिंग कंट्री चेंज होती रहती है. और G7 में कौन सी कंट्रीज इन्वाइट होंगी, कौन सी कंट्रीज ऑब्जर्वर बनेंगी, न्यू कंट्रीज किसे हम बुला सकते हैं मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, वो सब काम प्रेसिडेंट कंट्री का ही होता है.
तो पूरे साल का एजेंडा इन्होंने सेट किया. नाउ ग्राउंड वर्क कौन करता है? ग्राउंड वर्क इज डन बाय शर्पास. शर्पास कौन है? शर्पास आर बेसिकली पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स या मेंबर्स ऑफ डिप्लोमैटिक स्टाफ. डिप्लोमैटिक स्टाफ में एक तरह से मान ले एम्बेसडर्स. एम्बेसडर्स जो हैं या पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हैं कंट्रीज के, वो शर्पाज होते हैं और पूरा एजेंडा वो सेट करते हैं कि किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की जरूरत है. मेंबर कंट्रीज के पास जो भी एम्बेसडर्स गए हुए हैं वो लोग प्रपोजल्स भेजते हैं कि किस चीज के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए. उन्हें हम शर्पा बोलते हैं, देयर नोन एज शर्पास. और शर्पास डिसाइड करते हैं कि क्या एजेंडा रहेगा मीटिंग का. ठीक है, सो यहां से आप लोगों ने काफी इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया. आई गेस मेजर G7 के ऊपर बातें यहाँ पे डिस्कस कर ली गई हैं. नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी जो प्रपोजल आया है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन किस पे रेज किया गया है? रशिया के दोबारा एडिशन होने पे. रशिया को दोबारा जोड़ने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. तो रशिया के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें कि रशिया ने कब ज्वाइन किया, क्यों छोड़ा, तो वी विल अंडरस्टैंड कि क्यों क्वेश्चन है. तो क्या सिचुएशन थी रशिया के साथ? रशिया ने ज्वाइन किया था, रशिया ज्वाइंड G7 इन 1997 में रशिया ने G7 को ज्वाइन किया और उसके बाद ये G8 बन गया. ठीक है, तो 1997 में G7 G8 बन गया था. 2014 के अंदर रशिया ने रशिया के ऊपर एलिगेशन था दैट इट हैड एनेक्स्ड क्रीमिया. क्रीमिया कहाँ पे है? यूक्रेन. तो रूस की क्रीमिया के अपने अनुलग्न पर 2014 में सामूहिकरण की सदस्यता खो दी. तो क्या हुआ था? रशिया ने जबरदस्ती यूक्रेन की क्रीमिया रीजन को अपने अंदर इंक्लूड किया और G7 की जो आइडियल्स थे, प्रिंसिपल्स थे, वो हर्ट हुए. उन्होंने 2014 में रशिया को एज अ मेंबर कंट्री ड्रॉप कर दिया. तो अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है? नाउ द थिंग इज दैट द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया दैट इज पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि अगर हमें इक्वल माना जाता है, समान रूप से माना जाता है, हमारे साथ सेम ट्रीटमेंट होता है, वी आर ट्रीटेड एज इक्वल्स एंड नॉट इंफीरियर, हमें बराबर का माने, हम अपने से नीचे नहीं मानते हैं, तो रशिया विल बिकम अ मेंबर, अदरवाइज रशिया विल नॉट बिकम अ मेंबर. इसीलिए करंटली द पोजिशन इज बींग सीन एज द फैक्ट कि ये या तो G10 बनेगा या G11, क्योंकि रशिया इज द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ. ठीक है, और रशिया के ऊपर एक एलिगेशन और है एंड दैट इज इट इज सीन एज एन अलाय ऑफ चाइना. इसे चाइना चीन के सहयोगी के रूप में देखा जाता है, काफी टर्म्स पे सपोर्ट भी किया है चाइना को, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन है. क्यों क्वेश्चन है ये हम जब भी नेक्स्ट पॉइंटर पे जाएंगे तब हम देखेंगे कि क्यों क्वेश्चन है. इससे पहले इंडिया का भी हम स्टैंड देख लेते हैं. तो इंडिया का स्टैंड कैसा रहा है G7 में? तो इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया ने G7 की 2019 की मीटिंग अटेंड करी थी, दैट इज 45th मीटिंग, विच वाज 45th. 45th मीटिंग जो थी ये फ्रांस में हुई थी, या फ्रांस के पास उस टाइम प्रेसिडेंसी थी. 2019 में फ्रांस के पास प्रेसिडेंसी थी G7 की. तो इंडिया को गेस्ट, ऑब्वियसली अभी बताया जो प्रेसिडेंट है वही डिसाइड करता है कौन गेस्ट की तरह ज्वाइन कर सकता है. तो इंडिया को गेस्ट की तरह बुलाया गया था फ्रांस की तरफ से. एंड G8 भी काफी बार इंडिया ने अटेंड किया है, मल्टीपल टाइम्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 times G8 में भी एज अ गेस्ट कंट्री इंडिया ज्वाइन कर चुका है. सो इंडिया का जो एलिनेशन है G7 के साथ काफी अच्छा रहा है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आप आई गेस काफी पॉइंटर्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे. जितने पॉइंटर्स हैं दे हैव बीन डिस्कस्ड क्लियरली विद यू. G11 would be a way for US to bring together its traditional allies to talk about how to deal with the future of China. Now, सबको पता है, China और USA के बीच में Cold War वाली situation चल रही है. There is a Cold War going on. China से virus की वजह से United States को जो economic drop हुआ है, उसकी वजह से the president is very much angry. Flights को लेकर के काफी issues हो रहे हैं.
लैंड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए चाइना में, चाइना से फ्लाइट होगी या नहीं होगी, तो एक तरह से कोल्ड वॉर चल रहा है. एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रेसिडेंट काफी चीजों में एलिगेशन लगा भी चुके हैं चाइना पे. सो जी इलेवन का जो प्रपोजल आया वो किस तरह से देखा जा रहा है, जी इलेवन अमेरिका के लिए एक तरीका होगा कि वह अपने पारंपरिक सहयोगियों को चीन के भविष्य से निपटने के तरीके में बात करें. यानी चाइना की जो मोनोपोली क्रिएट हो रही है, जो उन्होंने सिचुएशन अराइज करी है करंटली, उसको दबाया जा सके, चाइना को मोनोपोली क्रिएट करने से रोका जा सके, तो उसके लिए अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलके और चाइना के साथ कैसे डील किया जाए, ये आइडिया लेकर जी इलेवन का प्रपोजल प्रेजेंट किया गया है. प्रपोज जी इलेवन ग्रुप वुड रिकॉग्नाइज इंडियाज प्लेस अमंगस्ट द वर्ल्ड्स रिचेस्ट नेशंस एंड एक्नोलेज इट्स ग्लोबल वॉइस. प्रस्तावित जी इलेवन समूह दुनिया के सबसे अमीर देशों में भारत की जगह को पहचान देगा और इसकी वैश्विक आवाज को स्वीकार करेगा. और इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन है कि इंडिया को जी इलेवन एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. दैट मीन्स इंडिया शुड हैव अ सर्टेन गोल, अ सर्टेन एम. एक एम होना चाहिए कि हाँ, इंडिया वॉन्ट्स द वॉइस और रिप्रेजेंटेटेड एज अ वॉइस, एंड क्या गोल्स होने चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए. तो अगर वो इंडिया के माइंड में क्लियर है, देन इंडिया शुड जॉइन, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ रिस्की सिचुएशन एज द एडिटर सेज. दीज आर नॉट माय वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स ऑफ एडिटर. सो ये बात रही है करंटली G7 की व्हेन इट कम्स टू कन्वर्जन टू G11 एंड द स्टैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो स्टैंड है उसके ऊपर. तो आई गेस काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस एक्सटेंशन के ऊपर, इस पॉइंटर्स के ऊपर, G7 के बारे में. सो आई गेस द टॉपिक इज क्लियर. वी मूव फॉरवर्ड विद द वोकैबुलरी नाउ. वोकैबुलरी की तरफ पढ़ते हैं द सेकंड सेगमेंट ऑफ द वीडियो. तो वोकैबुलरी में फर्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्युनिक. कॉम्युनिक इज एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट या स्टेटमेंट, स्पेशली वन मेड टू द मीडिया. शासकीय सूचना या एक ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो हम मीडिया को देते हैं. मीडिया पर्सन को जब हम ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया या रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, तो उसे कॉम्युनिक कहते हैं. नाउ द यूजेज इन सेंटेंसेज, द पैलेस हैज इश्यूड अ कॉम्युनिक डिनाइंग द रूमर. द पैलेस हैज इश्यूड अ कॉम्युनिक, यानी पैलेस की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया है, महल की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया है कि ये जो अफवाह फैल रही है ये गलत है. तो जरूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, लेकिन ऑफिशियल होना चाहिए. जिस भी पर्सन से कंसर्न है उस पर्सन के साथ ऑफिशियल है. नेक्स्ट इज गैमेट, द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग. किसी भी चीज की रेंज या किसी भी चीज का स्कोप जो है उसे गैमेट बोलते हैं, या किसी भी चीज के विस्तार को गैमेट कहते हैं. Example is the actress's work runs the gamut from goofy comedies to serious historical drama. Yani jo actor hai wo comedy se lekar ke historical drama tak complete range cover karta hai. That is the gamut. Wo uska scope hai ya wo uska arena hai. Third word is double whammy. Double whammy is a two-fold blow or setback. Dohri jhatka, yani do bar jhatka mile. Jhatka in the sense no mental shock, एक तरह से you are surprised with the news. तो दो बार अगर हो गए तो that is known as double whammy. और ये informally use होता है. Do not use this word in formal word, formal letters or something. तो ये informal word है, double whammy. And example of sentence, consumers were hit by double whammy of rising interest rate and gasoline price. Interest rate भी बढ़ा, gasoline के price भी बढ़ा, यानी दो झटके एक साथ, दो बड़ी न्यूज एक साथ, दैट इज डबल वैन. एंड द लास्ट इज डीस्टिग्मेटाइज, दैट इज टू रिमूव द एसोसिएशन ऑफ शेम और डिस्ग्रेस. या एक तरह से किसी चीज का आदर करना, या जो पोजीशन डाउनग्रेड हो रखी है उसे उसके साथ अपना एसोसिएशन हटा लेना, या उसे थोड़ा सा अपग्रेड कर देना. एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंस, वी नीड टू डीस्टिग्मेटाइज पीपल ऑन बेसिस ऑफ रेस कलर. तो रेस और कलर के बेसिस पे हमें लोगों को शर्मिंदा करना बंद करना पड़ेगा. वी डू नॉट नीड टू एसोसिएट देम विद देयर रेस और देयर कलर. तो ये हमारे चार आज के वर्ड्स थे. एंड आई होप यू आर क्लियर विद द मीनिंग्स एंड यूजेज. मीनिंग एंड यूजेज ऑफ द वर्ड इज क्लियर अमंगस्ट यू. एंड विद दिस वी शैल वाइंड अप द सेशन.
नेक्स्ट सेशन टुमारो 8 AM, कल 8 बजे, मंडे टू सैटरडे 8 AM ये सेशन होता है. अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.